यहाँ पे मैं आपको न्यूक्लियर पावर पे कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। ये आप देख रहे हो, ये कर्नाटका का है, ये 1000 मेगावाट पावर स्टेशन है। एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस होता है? एक सिंपल चीज है, एनर्जी और पावर में ये डिफरेंस है कि एक होती है शक्ति एनर्जी, दूसरी होती है क्षमता मतलब कैपेसिटी। आप जो बिजली का रीडिंग लेते हो, मीटर रीडिंग देखा है आप लोगों ने कैसे लेता है, उसमें क्या लिखा रहता है? किलोवाट पावर। तो पावर इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क, जहां टाइम स्केल इन्वॉल्व हो गया एनर्जी। तो जैसे आपने एक किलोवाट एलिमेंट लगाया, उसको एक घंटा चलाया, तो कितनी बिजली कंज्यूम होगी? एक यूनिट। दो चलाया तो दो यूनिट कंज्यूम होगी। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि पावर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ये है 1000 मेगावाट पावर स्टेशन का। इसमें आप देख रहे हो ये चार रिएक्टर बिल्डिंग्स हैं, ये चार रिएक्टर बिल्डिंग है जो सिलेंड्रिकल है और एक हेमिस्फेरिकल उसके ऊपर डोम लगा हुआ है। और ये ग्रीन कलर का देख रहे हो बिल्डिंग, ये टर्बाइन बिल्डिंग है। तो किसी पावर स्टेशन में क्या होता है, आपको स्टीम चाहिए, स्टीम के बाद टर्बाइन, टर्बाइन के बाद कंडेंसर। तो पहले जरूरी चीज है स्टीम कैसे रेज की जाए। थर्मल पावर स्टेशन में ये बॉयलर होता है, बॉयलर में कोल बर्न होता है, कोयला जलता है, उससे जो हीट पैदा होती है उससे वो आप स्टीम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हो। उसके बाद ये टर्बाइन में जाता है, मैं आपको दिखला देता हूं इसमें। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये टर्बाइन यहाँ दिखलाया गया है। ये है, ये तो खैर न्यूक्लियर पावर स्टेशन का है, मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लियर कहाँ से डिफरेंट। यहाँ पे जो थर्मल पावर स्टेशन से स्टीम निकलती है, न्यूक्लियर पावर दोनों में स्टीम आती है। स्टीम के निकलने के बाद ये टर्बाइन में आता है यहाँ, इसको टर्बाइन बिल्डिंग, ये टर्बाइन है, टर्बाइन में एक्सपेंड करता है, उसके बाद ये कंडेंसर में आता है और कंडेंसर के बाद ये वापस यहाँ चला जाता है। जब टर्बाइन रोटेट होती है तो ये इसके साथ एक अल्टरनेट घूमता है, उसको जनरेटर बोलते हैं। तो यहां से फिर बिजली आपको मिलती है। तो न्यूक्लियर पावर और थर्मल पावर में एक ही डिफरेंस है स्टीम जनरेशन का। हम यहाँ क्या करते हैं, ये आप देख रहे हो एक एक, एक रिएक्टर बिल्डिंग है, इसमें एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है, इसको बोलते हैं आउटर कंटेनमेंट, ये इनर कंटेनमेंट। इसका क्या पर्पज है मैं बाद में बताऊंगा। ये जो आप लाल कलर का देख रहे हो ये चैनल्स हैं, ये 306 होते हैं, इसके अंदर फ्यूल बंडल भरा हुआ है, एक चैनल में 12 फ्यूल बंडल है। यहां से हम कूलेंट पास कर, जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो यहाँ हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट करती होती है तो यहां से हम कूलेंट पास करते हैं जो इसका हीट ले लेता है और हीट लेकर के यहां आ जाता है, इसको स्टीम जनरेटर बोलते हैं। स्टीम जनरेटर में ऑर्डिनरी वाटर भरा हुआ है, डीएम वाटर, ये अपने हीट इसको ट्रांसफर कर देता है तो स्टीम बन जाती है। जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये है स्टीम। और यहाँ पे एक कंट्रोल रॉड दिखलाया गया है कि रिएक्टर को शटडाउन कैसे किया जाता है। इस कंटेनमेंट का पर्पस ये है, अगर कभी कुछ एक्सीडेंट होता, एक्सीडेंट के चांस, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये इसके अंदर ये 1.25 केजी पे प्रेशर टेस्टेड है। इतने प्रेशर वहां आते नहीं है, मोमेंटरी होगा, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होता। ये उसको प्रेशर को कंटेन करता है। इससे अगर थोड़ा बहुत, चूंकि कॉन्क्रीट का है, थोड़ा बहुत अगर निकल भी गया तो ये बीच में आ जाएगा। इस दोनों के बीच का जो स्पेस है इसके अंदर हम वैक्यूम मेंटेन करते हैं। वैक्यूम का मतलब पूरा वैक्यूम नहीं है, कुछ निगेटिव प्रेशर है। ये निगेटिव प्रेशर इसलिए बनाया जाता है कि बाहर से एयर अंदर लीक कर सके, अंदर वाला बाहर नहीं जा सके। मान लो यहां से निकलता धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होगा, तो हमारा पर्पस यह है कि जो आदमी यहां से 1.6 किलोमीटर हम एक्सक्लूजन जोन बोलते हैं, 1.6 किलोमीटर, इसके बाहर जो आदमी रहता है, यहां तक कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है, 1.6 किलोमीटर पे उसको 0.2 mR से ज्यादा का डोज नहीं मिले, दैट इज द पर्पस। ये है हार्ट ऑफ द रिएक्टर, इसको क्या बोलते हैं, कैलेंड्रिया। जैसे आपका पूरे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दिल होता है, तो ये उसका हार्ट दिल है। जो मैंने आपको बताया 306, ये यहां पे है 306 होल्स देख रहे हो आप,
ट्यूब इसमें हॉरिजेंटल ट्यूब पास कर रही है, इसके अंदर फ्यूल बंडल रखा रहता है। ये जो आप रॉड देख रहे हो ये कंट्रोल रॉड है। मान ली हमको रिएक्टर शटडाउन करना हो तो विद इन फ्लैश ऑफ ए सेकेंड हम ये ड्रॉप कर देंगे, रिएक्टर शटडाउन हो जाएगा। अब यहां से ये जो है इसको फीडर पाइप बोलते हैं, जो मैंने आपको ये नेक्स्ट व्यू में आपको और भी दिखला रहे हैं। हाँ, ये दिखता ऐसा है, इसका डेफिनेशन है जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच करके 19 है और मैक्सिमम जो है इसमें 20 आता है। ये टोटल 306 चैनल्स हैं। ये जो आपको पाइप दिखलाया कूलेंट का, ये फीडर पाइप है जो इसके अंदर जाता है, हीट जनरेट होती है और ये दूसरे साइड से निकल जाएगा, इसको फीडर पाइप बोलते हैं। ये फ्यूल बंडल ऐसा दिखता है, 300 ये फ्यूल बंडल है, इसमें 19 फ्यूल एलिमेंट्स हैं, बीच में एक है, उस पर 6 है, उसके बाद 12 है। ये सबके सब यहाँ पे, ये एक्चुअल यूरेनियम ऑक्साइड का पेलेट यहाँ है, ये इसके अंदर बंद हो जाता है, क्लोज एंड का कैप क्लोज हो गया। उसके बाद इसमें देखा यूर टू पेलेट, ये आप ब्लैक देख रहे हो, ये इसके ऊपर यहाँ एंड प्लग लग गया, ये पूरी पूरी बंद हो गई। ऐसे 19 हैं इसके अंदर, ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे है। ये बेयरिंग पैड इसलिए बनाए जाते हैं कि मान लिया कूलेंट चैनल के अंदर हमने रखा तो बाई वेट ये नीचे टच कर जाएगा, है मान लिया किसी चीज कोई भी ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आप कुछ रखो फ्यूल बंडल तो ये नीचे टच कर जाएगा, जो हीट जनरेट होती है वो सब के सब ट्यूब में ट्रांसफर हो जाएंगे और वहां से आपको ओवर हीटेड हो जाएगा। तो इसके चारों साइड में गैप होना जरूरी है ताकि पानी उससे पास कर सके। ये कैसे हो सकता है, इसका कारण नहीं, इसमें हम स्पेशल लगा देते हैं, ये करीब 20,000 ऑफ एन इंच का गैप बना जाता है आपको, जिसके कारण आप पूरी पूरी आपके कूलेंट पास हो सकती है। ये एक सर्किट है कि मॉडरेटर जिसको बोलते हैं, मॉडरेटर सर्किट। ये एक और व्यू है, ये वहां पे आप देख रहे हो, इसमें स्टीम जनरेटर है, ये ऊपर यहाँ पे स्टीम जनरेटर है, ये जो स्टीम जनरेट होती है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखलाया गया है, ये कैलेंड्रिया यहाँ पे है, ये कंट्रोल रॉड यहाँ शो किया है, नीचे उसके टैंक रखे जाते हैं। ये टर्बाइन ऐसा होता है, ये आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 ये डबल सेंटर में स्टीम आती है, ये टर्बाइन एक्सपेंड करता है, स्टीम जो है एंटर हुई सेंटर में एक्सपेंड हुआ, उसके बाद ये इसमें वर्क इसके साथ अल्टरनेटर घूमता और ये हो जाता है। ये आप वर्टिकल देख रहे हो, ये इरेक्शन टाइम का है, इसको स्टीम जनरेटर बोलते हैं, ये एक वर्टिकल पिन की तरह है। ये एक बेसिक इक्वेशन है जो यहाँ का प्रिंसिपल है, हीट कैसे जनरेट होती है हाउस। ये आप देख रहे हो एक यूरेनियम 235 का एटम है, इससे एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद ये दो में स्प्लिट हो गया, स्प्लिट करने से इसमें दो न्यूट्रॉन निकलते हैं, कुछ गामा रेज निकलती है और ये हीट जनरेट होता है। ये हीट इसलिए जनरेट होता है कि ये जब ये स्प्लिटिंग होती है इसमें कुछ लॉस इन मास होता है, उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, किसी भी रिएक्शन के पहले बिफोर एंड आफ्टर मास शुड बी इक्वल, अगर मास कम होता है इसका मतलब है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में E इक्वल टू एम सी एक इक्वेशन है, जितना मास का लॉस होगा वो उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो एक एटम जब स्प्लिट होता है तो 200 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट होती है, ये प्रिंसिपल। अब यह है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, जब ये न्यूट्रॉन निकलता है तो एब्जॉर्ब भी हो जाता है, सबके सब स्ट्राइक नहीं कर सकते उसको, जो स्लो डाउन होता है वही स्प्लिट कर सकता है, सारे इलेक्ट्रॉन सारे न्यूट्रॉन नहीं होते, फास्ट न्यूट्रॉन्स आर नॉट फिट टू डू स्प्लिटिंग ऑफ एटम, वो नहीं हो सकता, उसको स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर होता है। हमारे यहाँ कूलेंट जो हैवी वाटर भी होते हैं, हैवी वाटर इज यूज एज कूलेंट ऑल्सो एंड हैवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर ऑल्सो। एक दूसरा रिएक्टर है, इसको हमारा बोलता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर,
जो पुनम कुलम में बन रहा है 1000 मेगावाट पावर स्टेशन, उसको लाइट वाटर रिएक्टर बोलते हैं। उसमें ये नेचुरल यूरेनियम है, इसमें सिर्फ 0.7% नेचुरल यूरेनियम होता है, 0.7%, मतलब 1 किलो में 7 ग्राम U-235 है जो कि स्प्लिट हो सकता है, बाकी नहीं होंगे। उसमें क्या है 3% एनर्जी में, इसमें 60 है तो उसमें 30 होगा। उसमें हमको फिर मॉडरेटर की जरूरत नहीं है और हैवी वाटर की जरूरत नहीं है, वहां लाइट वाटर ऑर्डिनरी वाटर यूज होता है। कॉस्ट में दोनों के काफी डिफरेंस, इसके कुछ और भी फायदे होते हैं। एनर्जी की क्यों जरूरत होती है, हम जो गवर्नमेंट बोलती है हमको 8% चाहिए, 9% ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ अगर इंडिया की होनी है तो बिना पावर के नहीं हो सकता। यहाँ भी आप, हम आपको बोल रहे हैं आपको इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, जरूरत है पावर की, पावर की जरूरत, पावर नहीं रहेगा तो कोई नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है कि नेक्स्ट में, अभी देखो कि इंडिया में अभी कितनी प्रोडक्शन है और इंडिया की पोजिशन क्या है, इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया का फिफ्थ है। देखो बिलियन, हम बिलियन का मतलब होता है 10^9 किलोवाट आवर, इसमें इतनी इंडिया की पोजीशन अभी फिफ्थ है वर्ल्ड में, लेकिन पर कैपिटा कंजम्पशन, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो हमारा पोजीशन 120 नहीं हुआ, इसमें हमको कोई खास फायदा नहीं, हम काफी कंट्रीज के नीचे हैं सबसे। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉपुलेशन ज्यादा है 9th आता है, हाईएस्ट है आइसलैंड, नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन, स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया के नंबर 129th है। अब यह है कि यहाँ पे करेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की है 182,344 मेगावाट, इसमें कोल फायर्ड जो थर्मल पावर स्टेशन है वो 55% है, जो नॉन कन्वेंशनल है, जैसे आपके यहाँ सोलर सत्संग हॉल में सोलर पावर यूज किया गया, आपके यूनिवर्सिटी में जो सोलर पावर, बाकी एक जगह एक विंड एनर्जी होती, विंड एनर्जी का आपने विंड मिल देखा नहीं होगा, बाद में बताऊंगा मैं, उसका 11% है। न्यूक्लियर अभी सिर्फ 3% है, मतलब हम सिर्फ अराउंड 5000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम जो है 2020 तक हम 20,000 पहुंच जाएंगे, तो हमारे यहाँ काफी रिएक्टर अभी इंस्टॉल हो रही है। हाइड्रो है 21%, हाइड्रो मतलब जहां डैम पे हाइडल पावर स्टेशन है 20, और ऑयल एंड गैस जो है सिर्फ 10% है। अब मैं डेफिनेशन है कि प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, तो ये किसी एक एनर्जी से नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान बनाया कि मुझे 1,00,000 मेगावाट जनरेशन करना है 12th प्लान में, अब इसके लिए कितने सोर्स, आपके 6-7 सोर्स हो गए। अब फर्स्ट जो आता है ये कोल का है, कोल आपका कोल एंड लिग्नाइट है, लिग्नाइट सिर्फ 128 बिलियन टन है इंडिया में, और इससे आपको सिर्फ 80 साल तक बिजली मिल सकती है, उसके बाद क्या करोगे, आज से 80 साल के बाद ये कोल नहीं रहेगा, फिर थर्मल पावर स्टेशन तो चल नहीं सकता है, कैसे बनेगा, तो उस साल उतना तक कर सकते हो। उसके बाद एक्सपेंशन होगा पावर में, तो उसमें और इसमें क्या दिक्कत है, माइंस की प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, और ये तभी इफेक्टिव हो सकता है जबकि आपकी जो कोल पावर, कोल माइंस हो, आपके पावर स्टेशन से 500 किलोमीटर to 700 किलोमीटर हो, अगर भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, रेलवे लिंक चाहिए आपको, रोड्स बहुत अच्छी चाहिए, नहीं जो कोल प्रोडक्शन होता रहेगा थर्मल पावर प्लांट में, आपने देखा होगा पढ़ाई में, तो बहुत से पेपर में पढ़ा होगा अभी कि इतनी प्लांट 50% कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं, कोयला नहीं है, नॉर्मली लोग 7 दिन से 1 महीने का रिजर्व रखते हैं, उसके बाद कभी स्ट्राइक हो जाती है, कभी उसका रेलवे में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये इसमें एक खतरा है। माइनिंग ज्यादा नहीं है, अब ये है ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस है बहुत कम है इंडिया में, ये सिर्फ कई साल तक करीब चलेगा, इसमें हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। प्रूवन गैस जो रिजर्व है ये सिर्फ 50 साल तक चलेगा, उसके बाद इससे पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, उसको CNG की तरह यूज करते हैं, आपने देखा होगा ये जो ऑटो रिक्शा वगैरह चलते हैं वो सब CNG से चलते हैं। अब ये हाइड्रो है, हाइड्रो के पोटेंशियल है 84,000 मेगावाट और 60% लोड फैक्टर होता है, अभी तक सिर्फ 20% हमने हार्नेस किया है, इसकी कैपेसिटी है। इस मेन प्रॉब्लम क्या आई है, बड़े ऑड जगह लोकेटेड है, बहुत ऑड जगह लोकेटेड है, आपको यूपी में हाइडल के सोर्स बहुत कम है, साउथ में है,
नेपाल में है, वहां से ट्रांसमिशन हो सकती है। इसमें इट इज वेरी क्लीन सोर्स ऑफ वाटर, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, न कोई कार्बन एमिशन है, न कोई पॉइजनस गैस है, न कोई वेस्ट है, कुछ नहीं होता। और इसमें नुकसान क्या है, एक 1000 मेगावाट का स्टेशन, जैसे हमने आपको कैगा का दिखलाया, हमने 120 हेक्टेयर लैंड अक्वायर किया, तो उसमें फॉरेस्ट है, डिफॉरेस्टेशन हो गया। हाइडल में क्या होता है कि यू नीड ए बिग रिजर्व ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं ऑफ स्ट्रीम साइड। कि कैसे होगा, पानी का लेवल जब बढ़ रहा है तो फॉरेस्ट सब डूब जाती है। तो अगर हम 120 हेक्टेयर इसमें यूज करेंगे, उसमें फोर टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब 500 एकड़ आपको आपका फॉरेस्ट लैंड गया। तो ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री काफी हल्ला करती है इसमें कि हमारे फ्लोरा एंड फौना बायोडाइवर्सिटी चला गया, बहुत से प्लांट चले गए, तो ये एक नुकसान है। प्लस जब आदमी का फील्ड जाता है, खेत जाता है, तो सब लोग चिल्लाते हैं मेरा तो खेत डूब गया, हमको कंपेंसेशन दो। तो यू नॉट ओनली लूज फॉरेस्ट, पानी का लेवल बढ़ता है तो एग्रीकल्चरल लैंड भी काफी लॉस करती है। बट इट इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ वाटर, और आपको जहां जहां पोटेंशियल हो, सबसे ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन में, जैसे आपको मैंने बताया वहां पे है, कर्नाटका में भी है, वहां पे सोर्स ऑफ वाटर है। अब ये है एक विंड पावर के, आप लोगों में विंड पावर देखा नहीं है, अगर आप कभी एमटीवीपुरम जाओगे तो वहां आपको काफी विंड मिल्स देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में। इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि ये ऑफ शोर है, मतलब समुद्र के किनारे है। तो एक यूनिट जो होता है 1.25 मेगावाट से 2.5 तक का होता है, तो इसमें ये है काफी क्लीन। बट प्रॉब्लम है कि विंड की स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, कभी स्पीड खूब अच्छी है तो आपको फुल जनरेशन मिलेगा, सालों भर भी विंड होती है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो इसमें इसके आपको कैपेसिटी फैक्टर इसकी सिर्फ 20% है, ओनली 20% है, ये इंटरमीडिएट सोर्स है। तो गुड विंड इज क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, अदरवाइज इसको नुकसान है। इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं इन्वॉल्व है, जैसे नॉइज नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, तो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर वाटर प्रोवाइडेड यू कैन सस्टेन इट। हर जगह नहीं है ये सिर्फ कोस्टल एरिया में है। सोलर तो मैंने आपको बता दिया, सोलर यहां पे है, सोलर इज अनलिमिटेड सोर्स है क्योंकि सन तो हमेशा ही रहेगा यहां पे। प्रॉब्लम क्या है, जो फोटोवोल्टेइक सेल है जो कि सोलर को कन्वर्ट करता है, इसकी एफिशिएंसी जो है सिर्फ 15% है, 15% है। अगर रिसर्च हो इसमें क्या है, कॉस्ट इसकी थर्मल न्यूक्लियर सबसे ज्यादा है, इट इज द कॉस्टलियस्ट पावर, लेकिन इसमें एडवांटेज कम से कम अवेलेबल है। इसमें दोनों चीज देखनी पड़ती है, कॉस्ट भी और ये कैप्टिव पावर के लिए बेस्ट है। जैसे आपको डीआई में है चला दिया, सत्संग हॉल है वहां चला दिया, इसका पावर प्लांट अगर 100 मेगावाट का बनाया जाए हर जगह तो ये जगह बहुत ज्यादा घेरेगा। सेम प्रॉब्लम यहां भी है, इंडिविजुअल बिल्डिंग्स वगैरह के लिए अच्छी है, हर घर में सोलर हो जाए तो अच्छा है। कोई बड़ा पावर इससे जनरेट करो और तुम स्टील प्लांट चलाओ, वो अभी पॉसिबल नहीं, उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत। तो इसमें पोटेंशियल टू रिड्यूस कॉस्ट होना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए। बल्कि आज के दिन में अगर इंडिया को टॉप प्रायोरिटी देनी है तो इसको देना पड़ेगा, इसमें रिसर्च कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसको किसी भी तरह से इसकी ये जो 15% है इसको अगर आप 40% भी कर देंगे तो ये काफी अच्छी इकोनॉमिक पावर हो सकती है। अब आया एनर्जी पॉलिसी, ये सारे के सारे यू हैव टू हार्नेस ऑल सोर्स, कोल, ऑयल एंड गैस, हाइड्रो, विंड, न्यूक्लियर, सोलर, सबकी जरूरत है, किसी एक से काम नहीं चल सकता, सबका तो साइड इफेक्ट है, तो एक बैलेंस असेसमेंट चाहिए। अब ये एक कंपैरिजन के लिए मैंने बनाया है, दिस इज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। अगर आप 1 किलो फायरवुड बर्न करो तो आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, 1 किलो वाट आवर। 1 किलो कोल बर्न करो तो ये 3 किलो वाट आवर होगी, कंपेरिजन देख रहे हो आप। 1 किलो वायर यूज किया जाए तो 4 किलो वाट होगा, 1 किलो नेचुरल न्यूरेन हो तो 50,000 किलोवाट होता है, तो दिस इज एन अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर, इसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। और ये कॉस्ट कंपेटिटिव है विद अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन। न्यूक्लियर पावर हम वहां नहीं लगाते हैं जो कोल, जहां पे बिहार में लगाने का कोई फायदा नहीं, बंगाल में लगाने का कोई फायदा नहीं, क्यों, वहां पे कोल थर्मल पावर प्लांट सबसे चीप होगा,
वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। सबसे अच्छा इफेक्टिव है जैसे साउथ में, साउथ में कोल है ही नहीं, तमिलनाडु में बन रहे हैं, कर्नाटक में बनाया, महाराष्ट्र में कोल है लेकिन नागपुर के आसपास है, वो भी महाराष्ट्र से काफी बड़ा 700 किलोमीटर, गुजरात में बनाया है। इसमें हमको क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि हम तो ब्लेम नहीं आया, जब साइट सिलेक्शन हो रही थी तो हम लोगों ने वही साइट सेलेक्ट किया जहां पे डैम बना हुआ था। डैम का फायदा क्या है, डैम के ऑपोजिट साइड में हमको वाटर मिल जाता है, पानी का रिजर्व बहुत ज्यादा है, हमको पानी चाहिए ठंडा करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए भी और कंडेंसर के लिए भी कूलिंग चाहिए। हम वहीं वहीं बनाते हैं न्यूक्लियर पावर। कोटा में कहाँ बना हुआ है, चंबल रिवर के ऊपर एक डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है। यहाँ नरोरा बैराज है बुलंदशहर में, गुजरात में भी एक रिवर है, थी बाकी सब कोस्टल एरिया में है। समुद्र के किनारे जितने भी हैं पावर स्टेशन है वर्ल्ड में, कहीं भी जरूरत नहीं है किसी डैम वैम की, बिकॉज वी टेक वाटर फ्रॉम सी एंड देन डिस्चार्ज इन द सेम। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जितना होगा वो सब ऊपर चला जाता है, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे अमेरिका में हो, पूरी ह्यूमन कम्युनिटी है वर्ल्ड की उस पर सफर करना पड़ता है। अब ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम, देखो लिग्नाइट और कोल में मैक्सिमम है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, आपने देखा होगा चिमनी से भी स्मोक बहुत निकलता रहता है, सबसे कम है न्यूक्लियर, विंड, हाइड्रो, ये सब, सोलर एनर्जी, इन सब में नहीं है। ये है जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर साइट 1000 मेगावाट में हमको 1 to 4 square kilometers एरिया चाहिए प्लांट लगाने के लिए, सोलर थर्मल और सोलर में इसमें 20 to 50 kilometers चाहिए 1000 के लिए, मैंने ए स्मॉल टाउन आपकी जरूरत है। विंड फील्ड में क्या है, इसमें और ज्यादा है 50 to 150, क्यों, 1000 मेगावाट के लिए एक की कैपेसिटी 2.5 मेगावाट है, तो अगर 1000 है तो आपको 400 मिल चाहिए, वो पूरा जलबा क्या आपका यहाँ से लेकर आगरा तक भर जाएगा सारे का सारे मिल में, तो जहाँ कोस्टल ले गया इसलिए हम वहाँ लगाते हैं, वहाँ पॉपुलेशन कम है एक तो, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड वहाँ भी लूज होता है, तो ये एक कंपेरिजन है। बायोमास प्लांटेशन करना है तो 4000 to 6000 एक पूरी डिस्ट्रिक्ट चाहिए, ये कंपेरिजन है। अब है कि जब न्यूक्लियर पावर जनरेट होती किसी एक एजेंसी को करना था, हमारा जो एजेंसी है उसका नाम है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेकर तुम ही कंस्ट्रक्ट करो, तुम ऑपरेट करो, तुम डिजाइन करो, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मिशन इज टू डेवलप न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर एट ए सेफ, एनवायरमेंटली बेनाइन एंड इकोनॉमिकली वायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मीट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ऑफ द कंट्री। अब ये कहाँ कहाँ है, जैसे नरोरा में दो है, रावत भाटा कोटा के जैसे पास है वहां पे 4 to 6 का जो ये देख रहे हो 700 ये प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है 2 into 700 megawatt। तारापुर में ऑलरेडी 4 बना है, कैवा में 4 बन चुका जहां से मैं आया हूँ, कुलमकुल में 2000 megawatt जनरेट हो रहा है, कल्पाकम में 3 यूनिट बन रही है, और सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन रावत भाटा में है। एक तो वहां पॉपुलेशन नहीं है, पूरा रॉकी एरिया था, चंबल लैंड था, कोई किसी को हमको कोई आदमी का एग्रीकल्चरल लैंड किसी ने लू, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है नरोरा में, ये एग्रीकल्चरल लैंड काफी लूज कर गए थे हम। अब ये रेडी है अभी 2 into 1000 megawatt, लेकिन क्या 2011 आज 2013 हो गया, कुछ मछुआरों ने एजिटेशन चालू किया वहां पे, 2 साल से वो प्लांट चल सकता था आराम से, उसको इन लोगों ने रोक दिया, बाद में गवर्नमेंट ने भी कानून पास कर दिया कि नहीं जब तक पूरा सेफ्टी नहीं हो जाएगी, क्योंकि यामा में एक एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद बहुत हो हल्ला मचा पूरे इंडिया में कि सबके सबको बंद कर दो। लेकिन यह है कि एक नी जर्क रिएक्शन होता है, अब्दुल कलाम को साहब को जानते हैं, उन्होंने कहा था कि नी जर्क रिएक्शन है। अब आपको मैं एक बताता हूं, आप हवाई जहाज को देखते हो एक प्लेन एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है, 300 आदमी मर गए, तो 2-3 दिन तक तो लोगों को हवाई जहाज में चढ़ने का मन नहीं करता कहीं हमारा ही नहीं हो जाए। ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हो, 1000 आदमी ट्रेवल करते हैं, आप तो आंख बंद करके सो रहे हैं स्लीपर में या एसी में, किसी ने अगर गलत सिग्नल दे दिया और गाड़ी ऐसे ट्रैक किया कि दूसरे साइड से भी ट्रेन डाल धाम से हुआ, कितने लोग मर जाते हैं। साल में 1 या 2 एक्सीडेंट होता है रेलवे का, होता है कि नहीं होता है, आप अखबार हिंदुस्तान ले लो चाहे दैनिक जागरण,
चार यहाँ टकराने से मरे, मोटर लॉन से ये टकरा गया, कम से कम 20 आदमियों का मरने की खबर होती है। तो कोई हवाई जहाज पे चढ़ना छोड़ा, किसी ने आज तक हल्ला नहीं किया कि रेलवे को बंद कर दो, इसमें इतने आदमी मर जाते हैं। डेली एक्सीडेंट होता है कार्स का, इसका, कभी स्कूल की बस नीचे गिर जाती है, टूरिस्ट बस नीचे गिर, तो बस ट्रेवल तो बंद नहीं कर, जिंदगी चलती रहती है। तो ये एक जगह कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ तो उसके कारण कोई उसको बंद नहीं करता। ये इंडिया ही नहीं है कि उसको बंद कर दो। अब आपको मैंने बता दिया कि मछुआरे क्या करते हैं, क्यों है, इसके पीछे एक विदेशी शक्ति काम कर रही है। उनको वो जो रशिया के अगेंस्ट है, वो रशियन इंडियन कोलैबोरेशन, वो चाहता है मेरा बिजनेस क्यों लूज हो, वो जबरदस्ती उसको पैसे दिए जा रहे हैं। इंडिया में कोई भी हंगामा होता है तो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अन्ना हजारे मूवमेंट चला खूब, हवा बहुत से लोग आप भी गए होंगे कहीं में, लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाता है। ये ठंडा नहीं हुआ है, तो हम लोगों को वही डाउट हुआ कि ठंडा क्यों नहीं पड़ता है। इसके पीछे कोई आदमी डेली उनको पैसा दे रहा है। वो नॉन प्राइम मिनिस्टर ने कहा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, ये जो है ये पंप कर रही है मनी कि हाँ इनका न्यूक्लियर पावर ज्यादा बढ़ेगी। अब देखो इंडिया में बांग्लादेश जैसा पुअर भी 2000 मेगावाट का प्लांट, पाकिस्तान हमसे बहुत पुअर है, उसके पास बेचारे के पास 2 या 4 है, उसके पास ज्यादा नहीं है। चाइना सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, हमारा कंपटीशन चाइना से, चाइना में हमसे डबल कैपेसिटी है। कोरिया इतनी छोटी कंट्री है, वो भी हमसे ज्यादा है। फ्रांस की अगर ये सेफ नहीं होता, फ्रांस की हमारा पावर 3% है, हमारा पावर कितना है 3% है न्यूक्लियर पावर, फ्रांस का 70% है। जो इतनी एडवांस कंट्री है वो सिर्फ न्यूक्लियर पावर क्यों जनरेट कर रही है, उसके पास हाइड्रल के सोर्स कम है, थर्मल पावर छोटी कंट्री है वो, दे वॉन्ट टू प्रिजर्व देयर कोल एंड ऑयल, उसे मोटर कार में यूज करो। अमेरिका ने पहले बहुत बने, उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन हो गया। अमेरिका बहुत चालू कंट्री है, उसने कहा सबको नहीं मिले, हम बंद कर रहे हैं, सेफ नहीं है, जहां भी हल्ला हो तो सबसे पहले वो हल्ला करता है। नुकसान उसको क्या हुआ, उसकी जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई। जब उन लोगों ने पॉलिटिशियन प्रेशर डाला, तुमने हमको कहा इतना जनरेट करोगे उतना जनरेट करोगे, अब तो आप बंद क्यों कर दिया, तब ये तीसरा जो प्रेसिडेंट था अमेरिका, वो इसने इंडिया से हाथ मिलाया। जब इंडिया को आइसोलेट कर लोगे तो कहां, इंडिया ही लेगा, चाइना लेगा, कोरिया लेगा, यही लोग लेते हैं, अमेरिका वाला तो ले नहीं रहा, तो वहां वोटिंग हुई, इंडिया का आइसोलेशन खत्म हो गया। अब सब हेल्प करने को तैयार है इंडिया को, यहां पे आप जनरेट कीजिए। अभी जो 140 पावर स्टेशन बन रहा है अभी, उसमें 137 सिर्फ एशिया में है। ये जो मैंने आपको बताया था यूरेनियम 235, ये इसका एटम, ये एटम है, ये न्यूट्रॉन इंपिंज किया, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं इसको, ये स्प्लिट हो गया, इसमें 2 फिशन फ्रेगमेंट्स आए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पैदा हुई, फिशन न्यूट्रॉन बोलते हैं ये। इससे दिखलाया गया, मैं स्कूल में जाता था कभी कभी कॉलेज स्टूडेंट्स से, आपको बता रहा हूँ, उनको बिजली दिखलाने के लिए हमने ये सिंबल यूज किया है। 200 MeV इसमें हीट जनरेट हो रही है, ये हीट एब्जॉर्ब हो जाता है फ्यूल में, फ्यूल महाराज गर्म हुआ, इसको ठंडा करने के लिए चाहिए ये फिशन, इसको इस तरह से शो किया गया है। ये इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं, कुछ न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए, कुछ नेक्स्ट में हुआ, एक न्यूट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए। तो जब ये चेन रिएक्शन हो जाता है उसको क्रिटिकल मास बोलते हैं, क्रिटिकल मास, और ये सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब कम से कम हर स्प्लिट में एक न्यूट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए थर्मलाइज, जो कि फर्दर स्प्लिट कर सके। अब ये एक मजाक है, कोई है ठीक, डू नॉट एंटर राइट नाउ, बॉस इज इन क्रिटिकल स्टेट बोलते हैं, बहुत से रिसर्च आते हैं, हम लोग बोलते हैं बॉस इज इन क्रिटिकल, मतलब एकदम वो क्रिटिकल है। तो क्रिटिकलिटी इज द स्टेट ऑफ द रिएक्टर वेयर चेन रिएक्शन इज सेल्फ सस्टेन एंड इज कंट्रोल फॉर स्टेडी पावर प्रोडक्शन। रिएक्टर इज क्रिटिकल मीन्स नंबर ऑफ यूरेनियम फिशन पर सेकेंड इन द रिएक्टर इज मेंटेन, तो रिएक्टर इज रेडी फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन। अब इसमें वही से दिखा रहा हूँ, एक कंट्रोल डॉट को मैंने सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट किया, ये नेचुरल यूरेनियम है रेड का, कूलेंट ये है जो हैवी वाटर है, नीचे हमारा मॉडरेटर है। ये इसको ब्रेक किया गया, जो कि फिशन रिएक्शन जनरल हीट एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बाई प्राइमरी कूलेंट टू स्टीम जनरेटर, हीट इज कंडक्टेड टू सेकेंडरी कूलेंट इन स्टीम जनरेटर, स्टीम इज प्रोड्यूस्ड इन स्टीम जनरेटर, जो आपको मैंने बताया। अब इसके बाद टर्बाइन,
स्टीम इज यूज टू रोटेट टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैं पहले आपको दिखला दूँ। ये इंडिया का सी होमी भाभा है जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। प्रेस्टीज हैवी वाटर रिएक्टर भी हम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। जहाँ हजूर गए थे वो आईजी कार था, वो रिसर्च स्टेशन था, ये उसके बगल में ही बन रहा था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। शायद नेक्स्ट विजिट में जाए वहां पे। उसके बाद थर्ड स्टेज हमारा है ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर का एडवांटेज क्या है, हर जगह इसमें जितना ये फ्यूल आप दोगे उसे डबल प्रोड्यूस होता है। ये कैसे होता है, इसका एक कारण है कि थोरियम का ब्लैंकेट यहाँ लगाया गया है। यहाँ से हमने प्लूटोनियम प्रोड्यूस की, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में भेजा। ये थोरियम U-233 में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी जो है यूरेनियम, ये एक फिसाइल मटेरियल है। तो ब्रीडर रिएक्टर में क्या है, जैसे आपने यूरेनियम फिट किया तो आप थोरियम का ब्लैंकेट लगा दिया, आपको पावर भी मिली और एक्स्ट्रा फ्यूल भी मिल गया। ये हमारे जितने पावर स्टेशन है सब जोन 2 में आता है। जैसे सिस्मिक जोन होता है ना, भूकंप होता है, तो ये सिस्मिक सब जोन 2 में आते हैं। जापान सबसे ज्यादा है, जहां एक्सीडेंट हुआ था वो 5 है उसका। ये सुनामी का भी एक हंगामा हुआ था, लेकिन हमारे यहां से माइल छोड़ के जो नियरेस्ट है वो 1500 किलोमीटर अवे है। अभी जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसके बहुत से पहलू इफेक्ट होते हैं। जैसे चेर्नोबिल, चेर्नोबिल का नाम सुना है, पेपर में पढ़ा है, चेर्नोबिल में एक एक्सीडेंट हुआ था। क्यों हुआ था, उसका भी एक कारण है। वहां एक हम नॉर्मली ऑपरेटर क्वालिफाइड होते हैं, वहां एक रशियन था, वो स्विफ्ट चार इंजीनियर था। उसने सोचा कि जितनी सेफ्टी सिस्टम्स बनी हुई हैं इसको हम बाईपास करके देखते हैं क्या होता है। एक सिस्टम को किया बाईपास, दूसरा किया, बाद में उसका कंट्रोल खत्म हो गया। इंडिया में ऐसी पॉसिबल नहीं, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बाद में थिंग्स वेंट आउट ऑफ द कंट्रोल, वो नहीं कुछ कर दिया, उसके बाद में बड़ा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वहां कोई आदमी मरा नहीं था। जो आप पेपर में पढ़ते हो कि क्या हुआ, मरा वो आदमी था जो फायर को कम्बैट करने के लिए गया था। फायरमैन ज्यादा मरे थे वहां पे, कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट से नहीं मरा था। ये सब चीजें मैं दोबारा दिखलाऊंगा। अब ये हम लोग को है कि सेफ्टी बैरियर कितने हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। एक तो यह आपने बताया फ्यूल बंडल है, इसको पेलेट्स बोलते हैं, पेलेट्स है। उसके बाद आया ये फ्यूल क्लैडिंग है। अगर यहां से कुछ प्रोड्यूस का फ्रेगमेंट ब्रेक होता है तो क्लैडिंग में वो आ जाएगा अंदर। इसके ऊपर हमने चैनल लगा दिया, थर्ड बैरियर। फोर्थ हुआ इसके अंदर हमने कोर लगा दिया रिएक्टर का। फिफ्थ हो गया ये बिल्डिंग, इसको प्राइमरी कूलेंट बोलते हैं, जिसको मैंने कहा था ये प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट का है। इसमें 21 kg प्रेशर पे ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। इससे कुछ निकला तो सेकेंडरी कंटेनमेंट पे आ गया। इसके बाद क्या, ये 1.6 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन है। यहां तक कोई आदमी नहीं रहता। हमारा जो पावर स्टेशन से ज्यादा एरिया हमको ये घेरने के लिए चाहिए। यहां कोई हम किसी को कुछ आदमी को घुसने नहीं देते। एक हमारी एक्सक्लूजन जोन बाउंड्री है, इसको 1.6 किलोमीटर बोलते हैं। तो ये कंबाइंड दिखलाया गया। फर्स्ट बैरियर इज पैलेट, सेकेंड इज क्लैडिंग, थर्ड इज योर कूलेंट पीएससी सर्किट, प्राइमरी कंटेनमेंट इज बिल्डिंग, दिस इज सेकेंडरी कंटेनमेंट और एक्सक्लूजन जोन। ऊपर है डोम फिगर, जैसे वैक्यूम फ्लास्क देखा है ना, दो होते एक के अंदर है, वो वाला कंसेप्ट है। अंदर पानी क्यों गर्म रहता है, ठंडा रहता है, बीच में वैक्यूम रहता है। हम भी यहां निगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं। अब है कि हमारा आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, हम 69 से ऑपरेट कर रहे हैं, आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये है हमारे पावर स्टेशन कितने हैं, काकड़ापाड़ा, रावलभाटा, ये सारे स्टेशन कैगा वहां है, TAPS, इसमें कितना कंटिन्यूअस रिकॉर्ड कितना है, हाईएस्ट है 590 डेज कंटिन्यूअस रन, 520 एवरेज जो है 373 सभी लोग रन कर चुके हैं विदाउट ए सिंगल। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा नरोरा के दो यूनिट बंद हुई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इस जैसे होता है कि कोई भी चीज बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत लड़की हो, औरत भी होती, थोड़ा बहुत होता है, चांद में भी दाग होता है, इस सिस्टम में एक ही फॉल्ट है। क्या सिस्टम में क्या फॉल्ट है, इसको अगर ग्रिड फेल हो जाती है, ग्रिड समझते हो, ग्रिड फेलियर होती है, इसको आधे घंटे के अंदर अगर पावर नहीं मिला तो ये पॉइजन आउट। पॉइजन आउट में फिशन फ्रेगमेंट से एक जेनॉन होता है,
वो फिर रिएक्टर को क्रिटिकल होने नहीं देता। एक हाफ लाइफ होती है, उसको डायल करने में 27 घंटे लगते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जहां हम पावर से मिलाते हैं, कभी कहीं भी फेलियर हो, हमको तुम आधे घंटे के अंदर पावर दो, नहीं दोगे तो मेरा 27 घंटे के लिए बंद हो जाएगा। तो नरोदा में भी हो रहा है, 27 घंटे के लिए वो बंद हो गया, उसके बाद फिर चालू हो जाएगा। तो वेल में सबसे पहले पावर उसको मिलनी चाहिए। अब यह है कि आप दूसरी गलतफहमी लोगों को डोज की होती है, आपको ये पता है कि नेचुरल कितना है, 2400 एक यूनिट है डोज का, माइक्रोसीवर्ट नेचुरल है 2400। ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन इसका 1000 है, तो टोटल अलाउड कितना हो गया, 3400। कोई भी न्यूक्लियर पावर से इंडिया का, हम जैसे कहेगा का इसका 0.1% ऑफ नेचुरल रेडिएशन, वो कितना अलाउड है, 2400। अगर ये सिर्फ उसका 0.1% है, इससे ज्यादा सेफ कहीं भी नहीं हो सकती है। अब आपको ये बताया जाएगा कि ये है कि कैसे नेचुरल रेडिएशन बैकग्राउंड क्यों होता है। जो सुबह सुबह क्या प्रार्थना करते हो तुम, उसमें लास्ट का प्रार्थना क्या है, दिन दुखे हो जाए, उसमें एक लाइन आती है, जहर कहर की धार इस रचना सिर पर गिरे, वही वाला हाल यहाँ है। कॉस्मिक रेडिएशन ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है बाहर से, एयर में रेडोन है ये 54% है इसका बैकअप, जो फूड है 10% है, कॉस्मिक रे 16% है, अर्थ के क्रस्ट में 20% है। ये एक नेचुरल बैकग्राउंड बनता है 2400 का, और एटॉमिक पावर के ऑपरेशन से एक साल के बाद आपको 0.1% ही मिलता है। अब आप जो मेडिसिन खाते हो 14% वो है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री से 1% है, मेडिसिन खाते हो थायराइड वायराइड होता है उसमें लगाते हो उससे होती है, बिल्डिंग का सॉयल में 18% है, कॉस्मिक रेस से 14 है, रेडॉन 42 है, फूड एंड अभी आपको बहुत हैरानी होगी, मैं आप एक और दिखलाता हूँ एग्जाम्पल। आपको कभी ध्यान में नहीं होगा कि केला क्या, केला खाते हो, कोई आदमी केला अगर एक पर डे खाएगा तो उसको 0.1 माइक्रोसीवर्ट का डोज मिलता है। क्यों होता है, केला बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, इसमें पोटेशियम होता है, पोटेशियम हाई थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी होती है इसमें। अब स्टेइंग एट न्यूक्लियर पावर प्लांट बाउंड्री फॉर वन डे आपको 0.03 मिलेगा, और केला खाने से 0.1 मिलता है, 3 times ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब नहीं केला बुरी चीज है, यही आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी फायदे हैं इसमें। हवाई जहाज में जब तुम ट्रेवल करते हो 3 hour फ्लाइट में, तो आपको कितना है, 10 microsievert मिलता है, और एक स्टेइंग एट न्यूक्लियर पावर प्लांट बाउंड्री फॉर वन ईयर 10 microsievert। हवाई जहाज में क्यों मिलता, ऊपर डस्ट नहीं है, एयर प्योर है, इसलिए चेंजिंग ऑफ तो खैर इसमें भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। एक एग्जाम्पल दिया गया है हमारे यहाँ, जो हम जाते थे कि बैंगलोर में रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है, 579 microsievert, और हम जो रहते हैं हमको वहां कम, एक कंपेरिजन के लिए ड्रॉ किया गया। अभी इसमें क्या है, सीमेंट में पोटेशियम भी है, रेडियम भी है, थोरियम भी है, ब्रिक में, स्टोन में, सैंड में, ग्रेनाइट में, क्ले में, फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश कहाँ बनता है, लाइम स्टोन, जिप्सम, फ्लाई ऐश नॉर्मली कहाँ बनता है, कोल पावर से, कोल में भी इलेक्ट्रिसिटी काफी होता है, इंडस्ट्रियल रेडियोलॉजी, राइस में भी है, पालक का पत्ता वगैरह खाते हैं उसमें भी पोटेशियम, जहां जहां पोटेशियम है वहां वहां ये प्रॉब्लम, कैरेट में भी है, बीटरूट में भी है। अभी फिर दिया कि हमने न्यूक्लियर पावर स्टेशन एक साल रहे, 2 हुआ, ईटिंग बनाना 1 year 36 हुआ, लिविंग ब्रिक हाउस पर 1 year जैसे हमारा 100, एक एक्सरे डोज लेते हो तो 100 होता है, नेचुरल रेडिएशन 2400 है, एक पैकेट सिगरेट करोगे तो 13000 है एक साल में, एक सीटी स्कैन डॉक्टर लोग फटाफट लिखते हैं उसमें 16000 है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, कोरोनरी एंजियोग्राम हार्ट एक्सरे स्टडीज फॉर अबाउट 1 hour 50000 है, सिंगल डोज कितना होता है फेटल, ये 100 lakhs है। इट ट्रूथ क्या, वी आर सराउंडेड बाई नेचुरली ऑकरिंग रेडिएशन, एक्सपोजर फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लेस देन 1% ऑफ द एवरेज रेडिएशन एक्सपोजर,
एक्सपोजर फ्रॉम नेचुरल अकाउंट 85%, ये उसको दूसरे तरह से किया गया है। अब एक सवाल हमसे हमेशा पूछा जाता था, आपने चार रिएक्टर बना दिए, चार एटम बम हो गया, कभी भी फट सकता है। अब इसका सिंपलेस्ट चीज है, ऐसा आसान होता तो हर आदमी बम बना जाता। नेचुरल आपको हमारे यहाँ कितना है, मैक्सिमम होता है 0.3%, हम मैक्सिमम यूज करते हैं 3% एनरिचमेंट फ्यूल। बम के लिए 95% ग्रेड चाहिए, तब हो सकता है, उसके लिए काफी अलग प्रोसेस है। अभी अब मैं आपको एटम बम के वाले बताने नहीं है, ये एक एग्जांपल है। रिएक्टर का डिजाइन टू दिस सेल, उसके बाद जैसे टेम्परेचर राइज करता है वैसे ऑटोमेटिक ट्रिप है इसमें, कूल ऐसे हीट से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फ्यूल एलिमेंट की हीट बढ़ी, उसका स्प्लिट नहीं हो जाए, उसके अंदर फिशन प्रोडक्ट निकल के पॉइजन नहीं फैला गए, वो अपने आप रिएक्टर शिफ्ट कर जाएगा। बॉयलर लेवल डाउन होता है तो हीट जनरेट होगी, किसको ट्रांसफर करेगा, उसका ट्रिप है। और जितने 306 टन किसी का भी टेम्परेचर डेल्टा टी अगर ये 10 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाता है तो एक ट्रिप है। सिर्फ मल्टीप्लीकेटेड सिस्टम है इसमें। रिएक्टर ऑफ यूरेनियम 235 यूरेनियम रिएक्टर इज फार टू लो टू बी एक्सप्लोसिव, जो मैंने आपको बताया। एनवायरमेंट के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, न्यूक्लियर रिएक्टर एमिट नो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, सोलर विंड जियो थर्मल से 6.1 पर, हाइड्रोसे 21 पर, न्यूक्लियर का जो है एमिशन फ्री जो है 72.3%, इसमें कोई एमिशन नहीं होता है। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जेम लवलॉक, ये वर्ल्ड लीडर है डेवलपमेंट ऑफ एन, इससे बड़ा अथॉरिटी नहीं है कोई। ही ऑल्सो एक्नॉलेज कि न्यूक्लियर पावर सबसे सेफ है। आई बिलीव दैट वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री विल कंटिन्यू टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इन अ सेफ एंड रिलायबल मैनर, and that this supply can give the civilization the chance to survive through the difficult times soon to come. ये दूसरे साइंटिस्ट है, इनका भी वही व्यू है। अभी तक जो मैंने आपको बताया कि 15 मेजर एक्सीडेंट हुए हैं, 14,500 क्यूमुलेटिव रिएक्टर, जैसे हमने 69 से चलाया, जितने रिएक्टर चले एक साल में कितने चले उसको रिएक्टर ईयर्स बोलते हैं, कि 32 कंट्रीज में इतने हुए, आज तक कोई आदमी ऐसे नहीं मरा है किसी न्यूक्लियर एक्सीडेंट से। चेर्नोबिल में हुआ था, नो न्यूक्लियर वर्कर्स और मेंबर्स ऑफ द पब्लिक डाइड, देयर हैव बीन नो रेडिएशन रिलेटेड हेल्थ इफेक्ट्स लिंक टू 370 रिएक्टर रिएक्टर्स ऑफ सेफ ऑपरेटर्स इन इंडिया, नो मेंबर ऑफ द पब्लिक हैज बीन किल्ड ड्यू टू एनी पावर प्लांट। अभी लेसर फैसिलिटीज, इसे एक दूसरा एक टेबल बनाया हुआ है कि अगर कोई एक डेथ रेट निकाला गया कि अगर हम डेथ पर मिलियन मेगावाट आवर किया जाए, कोल में मैक्सिमम हुआ है डेथ 161, ऑयल में 36, नेचुरल गैस में 4, हाइड्रो में 1.4, न्यूक्लियर में नेग्लिजिबल है, सोलर में भी नेग्लिजिबल है, विंड में भी नेग्लिजिबल है।